केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कोरोना महामारी पर राज्यसभा में भाषण देते हुए गो कोरोना गो के बाद फिर एक बार कोरोना पर कविता करते हुए सभी पक्षों ने कोरोना को भगाने की बात कही। साथ ही जो कोविड योद्धा मारे गए हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिए जाने की बात भी मंत्री आठवले ने कही। जो कोविड-19 अपने देश में 2020 में आया और अभी तक मतलब 50 लाख से ज़्यादा मरीज अभी अपने देश में है, उसमें ठीक होने वाली संख्या भी अच्छी है, लेकिन अभी तक कोई दवा अपने पास भी नहीं है। रशिया से दवा आने वाली है, तो दवा अगर आ जाएगी तो उसकी संख्या बहुत कम हो सकती है। तो मुझे लगता है कि मैंने 20 फरवरी को इंडिया गेट के सामने मैंने दे दिया था वो कोरोना का नारा, तब जाग गया था भारत सारा। नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यकाल में बहुत अच्छा किया है काम, इसीलिए वो है चमकने वाला सारा। और हम और कांग्रेस और सभी पार्टियां मिलकर बजा देते हैं कोरोना के बारा, तो हम सब लोग मिलकर, मुझे लगता है कि कोरोना में राजनीति की आवश्यकता नहीं है। कोरोना महामारी का सामना करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और मतलब किसी को संसर्ग ना हो, इसकी जिम्मेदारी हम सब ने लेनी है। तो मतलब ये कोरोना को मतलब यहाँ से भगाना है, और कोरोना को भगाने के लिए हम सब लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के साथ रहना चाहिए। हर बार नरेंद्र मोदी जी पर टीका टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने 25 मार्च 2020 से पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया था, और उसके बाद 5-6 टाइम सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से 15 दिन में 20 दिन में प्रधानमंत्री संपर्क में रहे, लॉकडाउन बढ़ाना है क्या नहीं है, क्या करना है, आपको क्या हमारी जरूरी है, उसी तरह हमेशा सभी मुख्यमंत्री से बात करते रहे। हमारे बीजेपी के सरकार के जो मुख्यमंत्री ने उनसे भी बात की, उनको भी मतलब जो मदद चाहिए वो देने के संबंध में भी उनको वादा किया। इसी तरह मतलब मोदी सरकार ने सही समय पर लॉकडाउन करके अच्छा कदम उठाया। भारत सरकार ने लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए जो वित्तीय घाटा हुआ उसको गंभीरता से लेते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। आत्मनिर्भर अभियान के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ की इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की। इस इकोनॉमिकल पैकेज के तहत छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों को इस महामारी की मुश्किल की घड़ी में राहत का एहसास हुआ और सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई। प्रधानमंत्री जी के अनुरोध से गृह मंत्रालय ने इस लॉकडाउन में हर राज्य को इस महामारी से निपटने के लिए SDRF के तहत 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा की धनराशि आवंटित गई। इस फंड को क्वारंटाइन सुविधाओं, सैंपल कलेक्शन और स्क्रीनिंग की स्थापना, अतिरिक्त परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, स्वास्थ्य सेवा, नगर पालिका, पुलिस और अग्निशमन अधिकारियों के लिए सुरक्षा उपकरण, सरकारी अस्पतालों के लिए थर्मल स्कैनर, वेंटिलेटर और उपभोग सामग्रियों की खरीद के लिए दी गई थी। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को सहित बेघर लोगों को भोजन और आश्रय देने की सुविधा हेतु आवश्यक फंड SDRF के तहत दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों को आत्मनिर्भर भारत के तहत जोड़ने और उनको इस अभियान का हिस्सा बनाने हेतु 70,000 करोड़ की धनराशि MSME को आवंटित की थी। भारत सरकार की ICMR संस्था ने आज तक 6 करोड़ से ज्यादा COVID-19 के सैंपल। आप प्लीज कंक्लूड करें। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस ये जो महामारी में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मैं आगे जाऊंगा, प्लीज हो गए, एक डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, म्यूनिसिपालिटी के वर्कर हैं, पुलिस हैं, तो ऐसे लोगों की जो मतलब डेथ हुई है उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए।